السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ناظريني جرامي سلسلة وار जो बातें आपके सामने आ रही हैं वो हैं किसी को तकलीफ़ देना किसी को परेशान करना दुख दर्द में मुबतला करना ये इस्लाम के ख़िलाफ़ एक अमल है दीन इस्लाम ने इससे मना फरमाया है आम हालात में तो है ही मामला लेकिन इबादत में भी इबादत में भी जहाँ कहीं ऐसी बात नज़र आती है कि इबादत की वजह से किसी और को तकलीफ़ पहुँचती हो तो वो तकलीफ़ भी तकलीफ़ मानी जाएगी ऐसी इबादत इबादत नहीं होगी जो इबादत दूसरों को तकलीफ़ पहुँचा कर हो जब कभी ऐसा मामला हुआ अल्लाह के नबी महमदोल्ला वम ने मना फरमाया है जैसे कि अभी आपने पिछली नशस्त में नमाज़ के मसले पर सुना उमर फ़ारूक़ रजी अल्लाह तनों का अबू बकर रजी अल्लाह तनहों का दोनों को नसीहत की अल्लाह के नबी सल्ला वसम ने अब आइए हम नमाज़ के बाद एक और मामला है इमामत का नमाज़ हम खुद पढ़ते हैं बाज़ बलंद पढ़ते हैं दूसरों को तकलीफ़ होती है तो हमें नसीहत की गई कि आवाज़ को थोड़ा पस्त रखें ताकि सोने वालों को ख़लल ना हो सोने वाले तकलीफ़ महसूस न करें ये मामला तो रहा नमाज का अब चलते हैं इमामत की तरफ इमाम को क्या तंबी है इमाम के लिए क्या नसीहतें हैं दूसरों को तकलीफ पहुंच रही है अजियत पहुंच रही है तो ऐसे मामले में इमाम को क्या रहनमाई की गई है सबसे पहले हम खुद लेते हैं अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल आप ही की तालीमत हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है आप नसीहत किया करते थे कि इमाम को चाहिए कि मुक्तियों का ख्याल रखें जो मुसली पीछे नमाज़ पढ़ रहे होते हैं उनका ख्याल रखना चाहिए इमाम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खुद आता है कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईशा की नमाज़ रात का निसफ हिस्सा गुज़रने के बाद पढ़ाई एक मरतबा अल्लाह के नबी वम ने रात का निसफ़ हिस्सा आधी रात आधी रात गुज़रने के बाद ईशा की नमाज़ पढ़ाई फिर जब पढ़ा ली नमाज़ तो नमाज़ पढ़ाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्व लऊलाश उम्मती के लोगों सुनो ये जो मैंने आज ईशा की नमाज़ पढ़ाई है यही इसका वक्त है कि मैं तो चाहता हूँ इसी में पढ़ाऊँ अगर मेरी उम्मत के लोगों को दुशारी ना हो तकलीफ ना हो यानी क्या मतलब है कहने का कहा मेरी उम्मत के लोगों को अजियत होगी तकलीफ पहुँचेगी इसलिए मैं नमाज को आधी रात में ईशा की नमाज को नहीं पढ़ता हूँ या नहीं पढ़ाता हूँ बल्कि उसको और पहले पढ़ाता हूँ क्यों इसलिए कि आधी रात गुजरने के बाद निसफ रात गुजरने के बाद इशा की नमाज अगर जमात से पढ़ाई जाएगी अगर इमाम ईशा की नमाज़ आधी रात गुजरने के बाद पढ़ाएगा तो मुसल्लियों को अजियत होगी तकलीफ़ होगी परेशानी होगी कहा मेरी उम्मत तकलीफ़ में ना आए परेशानी में ना आए इसीलिए मैं इस वक्त में नमाज़ नहीं पढ़ाता हूँ समझ में आ रही है बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हैं और आप कह रहे हैं कि यह नमाज का जो वक्त है ये मुझे बहुत पसंद है अच्छा है यही वक्त है लेकिन मैं उम्मत का ख्याल कर रहा हूँ उनको तकलीफ होगी परेशानी होगी उनकी तकलीफ को देख करके मैं इस वक्त में नमाज नहीं पढ़ाता यह है इमाम के लिए एक नसीहत के मुसल्लियों का मुक्तदियों का ख्याल करना जरूरी है इसी तरीके से अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम की तालीम ये भी है कि नमाज इतनी तूल तवील ना हो नमाज इतनी लंबी ना हो कि मख्त परेशान हो जाए मुख्तियों को अजियत हो तकलीफ़ हो अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम के पास ऐसे बहुत सारे मसाले आते थे एक साहब आए और कहने लगे कि फलां शख्स है जो ईशा की नमाज़ बहुत लंबी पढ़ाते हैं अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और डांटा तंबी की आप ऐसे वक्तन-फ़वक्तन नसीहत किया करते थे तंबी किया करते थे अम कराम को के मुसल्लियों का ख्याल करना चाहिए मुख्तियों का ख्याल करना चाहिए आप को चाहिए यानी इमाम को चाहिए कि नमाज में हालत नमाज में इमामत की वजह से तकलीफ़ ना हो किसी को अजीयत ना पहुंचे इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी और मशहूर वाक्य आपको मालूम है कि मुआज रजी अल्लाह अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम के पास नमाज़ पढ़कर जाते थे और अपने इलाके में जाकर इमामत करते थे एक मरतबा मुआज रजी अल्लाह ईशा की नमाज़ पढ़ा रहे थे और ईशा की नमाज़ कदर तफसील हो गई लंबी हो गई लंबी क़िलत हो गई तो एक शख्स आया और ईशा की नमाज़ जमात से पढ़े बगैर चला गया माज रजी अल्लाह तनों को पता चला उन्होंने कहा इन इन्ना मुनाफिक वो मुनाफिक है बाद में वो शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचता है और कहता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसलमआज ने मुझे ऐसा ऐसा कहा है और अल्लाह के नबी मेरा मामला ऐसा है कि मैं किसान हूं दिन भर खेती करता हूं मजदूरी करता हूं और जब शाम में घर पहुंचता हूं तो थक जाता हूं। हम लोग खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं दिन भर मेहनत करते हैं शाम को जब घर पहुंचते हैं तो थक कर चूर रहते हैं हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं रह जाती है कि हम लंबा क़्याम कर सकें मैंने देखा कि मुआज़ जो है शुर फातिहा के बाद सुरे की तिलावत शुरू कर दी और लंबी नमाज उन्होंने पढ़ाई लिहाजा मैं उनकी नमाज़ में शामिल नहीं हुआ और मैं अपनी नमाज पढ़कर चला गया घर तो मुझसे मुझे ऐसा ऐसा कहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु सल वसलम ने मज रली को बुलाया और कहा अफ अच्छा नुआज या अच्छा न्याज अफ अच्छा न्याद तीन मरदों जुमला का अय क्या तुम लोगों को तकलीफ में डालना चाह रहे हो मुसीबत में डालना चाह रहे लोगों को यानी अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम का मामला देखिए कि आप अगर मुसलियों को तकलीफ़ हो रही है अजियत पहुंच रही है तो इमाम को हुक्म दिया गया है कि उसका ख्याल करें नमाज इतनी तवील ना हो नमाज इतनी लंबी ना हो कि नमाज पढ़ने वालों को तकलीफ़ हो परेशानी का सामना करना पड़े ये इमाम को नसीहत है इमाम कैसा होना चाहिए उस सिलसिले में रहनुमाई की गई तो अजियत तकलीफ़ का पहुंचना इमामत में इमाम के ज़रिए ये भी गर्चे की इबादत है नमाज पढ़ रहे हैं इमाम है नमाज पढ़ा रहे हैं इबादत है लेकिन मुसलियों का ख्याल करना ज़रूरी है कि उनको तकलीफ़ ना पहुंचे इसी तरीक़े से एक और मौके पर अबू हर रजील्सान हदीस के रावी हैं अल्लाह के नबी सल्हुसम बयान फरमाते हैं क्या फरमाते हैं इदा जब तुम में से कोई शख्स नमाज़ पढ़ाए लिन्नास लोगों को नमाज पढ़ाए फल युफफ तो चाहिए कि नमाज को हल्की करे चाहिए कि नमाज को हल्की करे लंबी ना करे क्यों फ़ैन नाम हमीफ़ वकीम क्यों? वलखबीर क्योंकि नमाज पढ़ाने वाले जो लोग होते हैं उनमें बीमार भी होंगे बूढ़े भी होंगे और इसी तरीक़े से कमज़ोर भी होंगे इसीलिए क्या करना चाहिए वहाद नफसी फल यौविल और जब तुम में से कोई शख्स अपनी खुद की नमाज पढ़े तन्हा नमाज पढ़े तो जितनी लंबी करना चाहे लंबी करे लेकिन जब इमाम बन रहा हो लोगों को नमाज पढ़ा रहा हो तो हालत नमाज में उसे मुसलियों का ख्याल करना चाहिए कि अगर मैं नमाज़ लंबी कर दूंगा तो मेरे पीछे जो है बीमार भी हैं बूढ़े भी हैं कमज़ोर भी हैं और भी लोग हैं मुसाफिर हैं बहुत सारे लोग हुआ करते हैं तो उनका ख़्याल करना एक इमाम को ज़रूरी है कि इमाम इसका ख्याल करे हाँ अगर आप तनहा नमाज़ पढ़ रहे हो अपने अकेले की नमाज़ पढ़ रहे हो आप लंबी करो कोई हारज नहीं है लेकिन इमामत का जब मसला आएगा तो इमाम को नसीहत की गई है कि मुसलियों का ख़्याल करके नमाज़ पढ़े क्यों इसलिए कि अगर लंबी नमाज पढ़ेगा उनको अजियत होगी तकलीफ़ होगी जहां तकलीफ़ की बात आती है शरियत वहां पर पाबंदी लगाती है कि किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए यहां तक कि इबादत के अंदर भी अगर तकलीफ़ नज़र आती है तो वहाँ पर भी तकलीफ़ पहुँचाने से शरीयत ने रोका है इस्लाम ने मना किया है तो सोचो नाजरीन ग़ौर करो कि इस्लाम की कैसी कैसी आला-आला तालीमात आला हैं इबादतों के अंदर भी इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है कि किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे छः जाए कि दूसरे मामलात में तकलीफ़ पहुंचाए लोगों को अल्लाह की बंदगी में इबादत में इसका पूरा ख्याल रखा जाता है कि किसी को तकलीफ़ ना पहुंचे खुद हमारे नबी मोहम्मद रसोल्ला सल्ला वसलम के बारे में आता है क्या आता है अब वत रजी अल्लाह तब बयान फ़रमाते हैं कि नबी सल्ला वम ने इरशाद फरमाया इनलाकूम फल उीद अनुतविलफीहा कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब मैं नमाज़ पढ़ाता हूँ नमाज़ के लिए खड़ा होता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि नमाज को लंबी करूँ नमाज को लंबी करूं ये मेरी ख्वाहिश होती है कौन कह रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं कि जब मैं नमाज़ पढ़ाने के लिए खड़ा होता हूँ मेरी ख्वाहिश होती है अन उतविल कि मैं उसे लंबी करूँ लेकिन क्या होता है फ मैं बच्चों के रोने की आवाज़ सुन लेता हूँ बच्चों के रोने की आवाज़ सुनता हूँ फात जो वी सला थी करा ही था उम्मी ही तो मैं बच्चों की आवाज़ सुनने के बाद अपनी नमाज को मजीद हल्की कर लेता हूँ मज़द मख्तसर कर लेता हूँ क्यों इसलिए कि उस बच्चे के रोने की वजह से उसकी माँ को तकलीफ़ पहुँचेगी चूँकि माँ भी नमाज पढ़ रही है बच्चा रो रहा है तो बच्चे के रोने की वजह से रोने की वजह से माँ को नमाज में तकलीफ़ हो सकती है अजियत पहुँच सकती है इसलिए मैं नमाज को हल्की कर देता हूँ तो नाज़री ने गिरामी, देखें आप कैसी तालीम है माशाल्लाह, कि इमामत करने वाले को भी ये नसीहत की गई है समझाया गया है कि इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाए इबादतों में नमाज एक इबादत है और इसी तरीके से इमामत का मसला जो है इबादत का है इसके अंदर हमने आपके सामने बातें रखी कि कहाँ कहाँ अजियत पहुँच सकती है और शरीयत ने अज़ियत पहुँचाने से वहाँ पर भी रोका है अब एक मसला आता है जुमा का खुतब जुमा जब होता है जुमा की नमाज़ हम पढ़ते हैं और यह जुमा की नमाज़ भी समझ लीजिए कि मुसलमानों की हफ्ते के एक ईद होती है और ख़ुतब जुमा भी एक अहम इबादत है ये गोया मुसलमानों का हफ़्तावारी इज्तम होता है जिसमें लोग कसीर तादाद में मस्जिद में आते हैं होता ये है कि लोगों की जब भीड़ होती है तो मुमकिन है बहुत सारे लोग गर्मी की वजह से और कारोबार करने वाले लोग मज़दूर लोग जब मस्जिद में पहुँचेंगे इज्तम होगा लोगों को परेशानी हो सकती है बदबू वगैरह आ सकती है तो जहाँ लोगों का इज्तम होता है तादाद ज़्यादा होती है वहाँ पर भी अज़ियत और तकलीफ़ का इम्कान होता है तो ऐसे मौक़ों पर भी शरीय इस्लामिया ने इस बात की ताक़द की है कि एहतियात से काम लिया करें ताकि लोगों को तकलीफ़ ना पहुँचे जैसे मिसाल के तौर पर देखिए कहा गया है अदीस में बात आई है अल्लाह के नबी सल्हु वसलम ने इशाद फरमाया कि जुमा के दिन गसल करना जुमाती योमिलजुम आती वाहजुन मुहतलिम के हर बालग शख़्स पर हर बाल मुसलमान पर जुमा के दिन गसल करना ज़रूरी है कि जब आदमी पाक साफ होकर आएगा नहा धोकर आएगा और खुशबू वगैरह लगा कर आएगा मुत्र हो कर आएगा तो क्या होगा लोगों को तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी बज़ दफ़ा क्या होता है कि आदमी अगर गसल किए बग़ैर आ जाए दो दिन से नहाया नहीं है हफ्ते भर से नहाया नहीं है और मस्जिद में अगर आ गया जुमा में जहाँ इज्तम होता है तो जिसम से बदबू आएगी पसीने होंगे तकलीफ़ होगी दूसरों को तो शरीय ने यहाँ इसका ये भी ख़्याल किया है कि जुमा के दिन गसल करके आना चाहिए इतर वगैरह लगा के आना चाहिए ताकि जुम्मे में जब इज्तिमा हो तो लोगों को तकलीफ़ ना पहुँचे आपकी हिसाब से देखिए तालीम ये कैसी है इस तरह से इसका ख्याल रखना चाहिए ताकि लोगों को अजियत ना पहुँचे तकलीफ ना पहुँचे इसी तरीके से होता क्या है बहुत सारे लोग क्या करते हैं भीड़ होती है मस्जिद में दाखिल होते हैं और जाहिर है पीछे से आते हैं वो और पीछे आते हैं तो क्या करना चाहते हैं वो सफ़ों को चीरते हुए सफ़ों को फलानते हुए पहली सफ़ में जाकर बैठना चाहते हैं क्यों इसलिए कि उनको मालूम है कि पहली सफ़ की फजीलत है यक़ीनन पहली सफ़ की फ़ीरत है लेकिन लोगों को तकलीफ़ देकर सफ़ों को फलान कर पहली सफ़ में जाने से मना किया गया है जैसे कि अब्दुल्ला बिन बिस्र ने बयान फरमाते हैं कि ज़ुमा के दिन एक शख्स खुतबे के दौरान लोगों की गर्दनों को फलंग कर सफ़ों को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था तो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसोल सल्ला वसलम ने इशात फरमाया कहा इजलिस फ़कत अ रईथ था बैठ जाओ अपनी जगह पर तुम लोगों को अजियत दे रहे हो लोगों को तकलीफ में मुबला कर रहे हो क्या मतलब मतलब यह कि अल्लाह के नबी वसल्लम ने मना फरमाया है के सफों को चीरते हुए नहीं जाना ये बात अच्छी तरह हमको मालूम है कि पहली सब की, की क्या फजीलत है तो कुरानी करके आएंगे यकीन पहली सफ में हाजिर होना चाहिए लेकिन अगर आप पीछे हैं और सफो को फलान कर आगे जा रहे यह आपके लिए जायज नहीं है पहली सफ तक पहुंचना मुस्तहब है अच्छा अमल है लेकिन दूसरों को तकलीफ न देना यह वाजिब है पहली सफ तक पहुंचना मुस्तहब है लेकिन दूसरों को तकलीफ न देना यह वाजिब है यह है इस्लाम की तालीम लिहाजा दोस्तों और साथियों एक और बात बता रहा हूँ मैं आज देखिए हमारे यहां जुमा के दिन क्या मसला होता है कि बहुत भीड़ होती है हमारे यहाँ तो अव्वल लोग पचवता नमाज़ पढ़ते नहीं जुमा की नमाज़ों में तादाद बहुत ज़्यादा होती है और बाज़ मसाजिद का ये हाल होता है कि मस्जिदों के बाहर रोड पर सड़कों पर मुसल्ले बिछा करके जुमा की नमाज़ की अदायगी होती है और आने जाने वालों को वहाँ अजियत होती है तकलीफ़ होती नहीं तकलीफ होती है होती है तकलीफ़ होती है क्या किया जाए इसमें यानी देखिए यहां मसला क्या है कि जुमा के दिन हफ्तावारी जो इज्तिमा होता है ऐसे इज्तिमा में हमको ही हुम दिया गया है किसी को इबादत में तकलीफ मत पहुंचाओ लेकिन हम क्या करते हैं जुमा के दिन क्या होता है मस्जिदें फुल हो जाती हैं और हमारी मस्जिद जब फुल हो जाती है तो रोड पर सड़कों पर मुसल्ला बिछाया जाता है आने जाने वालों को अजियत होती तकलीफ होती हमें नहीं कह रहे कि नमाज नहीं पढ़ना चाहिए नमाज नहीं पढ़ना चाहिए रोड पर हम मना नहीं कर रहे लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि अगर हमारा मुस्लिम माशरा हमारे मुसलमान अगर इस लायक खोते अगर वो पंच वक्ता नमाज जमात से पढ़ते जैसे वो जुमा में मस्जिद में हाजिर होते हैं अगर वो पंज वक्ता मस्जिद में हाजिर होते तो हमारी मस्जिदें छोटी नहीं होती बड़ी होती सारे मुसलियों का ख्याल करके मस्जिदों को मस्जिद बढ़ाया जाता पहला मंजिला दूसरा मंजिला तीसरा मंजिला बनाया जाता क्यों नहीं बनाते लोग इसलिए कि हफ्ते में एक दिन तो मुसलमान मस्जिद आता है आता भी है तो रोड पर बिछा करके नमाज पढ़ता है दूसरों को तकलीफ पहुंचाता है इस्लाम के खिलाफ अमल है जिस इबादत से लोगों को तकलीफ पहुंचे वो इबादत इबादत नहीं रह जाती है उस इबादत में खलल होगा इसलिए अपनी इबादतों में लोगों को तकलीफ़ पहुंचाने से बाज़ आना चाहिए और हमारे अपने इस अमल पर जो हम जुमा के दिन करते हैं इस पर नज़र षानी करना चाहिए मोहतर महाजरीन अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लासम ने इस बात की तरफ भी इशारा किया है कि लोग बाज़ वक्त क्या होता है लोग मस्जिद में जो सफ़ों का मामला है जैसे कि मैं बात कर रहा था लोग सफ़ों को चीरते हुए आगे बढ़ जाते हैं तो बाज़ लोग अपने हदे का अपने मनसब का अपनी जिम्मेदारी का ख्याल करते हुए क्या करते हैं का इस्तेमाल करके लोगों को उनकी जगह से उठाकर खुद बैठ जाते हैं लोगों को जो बैठा हुआ पहले से है उसे उठा करके खुद बैठ जाते हैं बड़े आदमी है? है मनसब है शरीयत इस्लामी ने इससे मना किया है अल्लाह के नबी मोहम्मद रसोल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया लायुकी من مجلسه ثم राज मजलिस ही, ही। कि किसी के लिए जायज़ नहीं है किसी के लिए जायज़ नहीं है कि अपने भाई को हटा करके दूसरा कोई वहाँ बैठे वह इंतहाई गलत हरकत है ये सब होता है जुमा के दिन खुतब जुमा के मौके पर जहाँ कहीं लोगों को तकलीफ पहुँच सकती है उस तकलीफ से बचना चाहिए लोगों को अजियत से बचाना चाहिए हम इबादत गर्चे कर रहे हैं अल्लाह की इबादत कर रहे हैं ख़ुदब जुमा है जुमा की नमाज़ पढ़ रहे हैं इमामत करा रहे हैं गर्चे ये इबादतें हैं लेकिन ऐसी इबादत अल्लाह को पसंद नहीं है जो इबादतें दूसरों को तकलीफ़ पहुँचा कर की जाए तो लिहाजा नाजरीन हमको इसका ख्याल रखना चाहिए इसी तरीके से साथ ही साथ एक बात और हम कहें जब बात खुतब जुमा की आई है तो उसी में ये बात भी ले लें कि खुतब जुमा भी क्या होता है मुख्तसर होना चाहिए क्योंकि लंबी लंबी गुफ्तु वाज़ो नसीहत का जो मामला होता है ना तो लंबा वाज़ो नसीहत करना तवील करना घंटों लोगों को बिठा कर रखना और घंटों लोगों को सुनाना इससे भी क्या होता है लोगों में उकताहट पैदा हो जाती है लोगों को बेचैनी होती है अजियत होती है तकलीफ़ होती है इसी लिए देखो अल्लाह के नबी महमदोल्ला वम ख़ुब जुमा बहुत मख्तसर दिया करते थे मख्तसर गुफगू होनी चाहिए मख्तसर ख़िताब होना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए इसीलिए देखिए शरीत इस्लामिया का ये हुक्म है कि खुदब जुमा हो तो मुख्तसर हो ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का हो इस तरह से इसका ख़्याल करते हुए हम लोगों को जुमा की नमाज़ों का अहतमाम करना चाहिए और आज देखो आज हम लोग ये अभी जो टी वी टॉक चल रहा है हम ये जो आई प्लस टी वी पर आपसे बात कर रहे हैं और जितने टी वी चैनल्स हैं जहाँ पर बेहयाई भी होती है फहाशी भी होती है बदकारी भी होती है बुराई भी होती है नंगापन भी होता है सब कुछ होता है हर जगह इंसान के नफ्सियात का ख्याल किया जाता है कि किसी भी चीज़ को किसी भी बात को आदमी की सुनने की एक लिमिट होती है आदमी एक वक्त तक ही सुन सकता है समझ सकता है इसीलिए देखो जब टीवी चैनल के शूट होते हैं तो उसके अंदर एक ख्याल आवाम का ये किया जाता है कि देखने वाला जो है बग़ौर सुने उसकी दिलचस्पी बरकरार रहे तो क्या किया जाता है कि हर बारह तेरह मिनट के बाद एक ब्रेक दिया जाता है हर बारह तेह मिनट के बाद एक वक्फ़ा दिया जाता है ताकि एक आदमी जो सुनने वाला है दस मिनट सुन सकता है सुकून से बारह मिनट सुन सकता है फिर थोड़ा सा उसको ब्रेक मिलेगा तो उसका जहन थोड़ा फ्रेश होगा फिर बाद में वो बारह तेरह मिनट सुन सकता है तो इसीलिए हम जब इन चीज़ों में नफ्सियात का ख्याल रखते हैं कि लोग इतना नहीं सुन सकते यहाँ तक के दूसरे जो टीवी चैनलों पर दूसरे प्रोग्राम्स आते हैं बेहयाई के वहां पर भी इन चीजों का ख्याल रखा जाता है तो ये तो इबादत है दीन का मसला है वाजो नसीहत है खुतब जुमा है ऐसी चीजों में भी इसका ख्याल रखना चाहिए कि लोगों को बेजारगी ना हो लोगों को तकलीफ ना हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ऐसा था कि अल्ला के अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम के बारे में आता है का न रसोल सल्हल लतीमत योजुम यसीरात अल्लाह के नबी वसल्लम जुमा के दिन तूल तवील वाज नहीं किया करते थे बल्कि वो चंद मुख्तसर कलिमात कहा करते थे तो दोस्तों और साथियों अजियत और तकलीफ़ देने वाले जो भी अमल हैं जैसे भी हैं चाहे वो इबादती क्यों ना हो शरीयत इस्लामिया ने इन सारी चीज़ों से हमें मना फरमाया है लिहाजा हम और आपको इसका ख्याल करना चाहिए हम बात कर रहे हैं अजियत पहुंचाने की तकलीफ़ देने की ईज़ा रसानी की बात हो रही है अब वो इज़ा रसानी आम हालात में तो मना है ही है आपकी से किसी को तकलीफ ना पहुंचे आम हालात में है ही है उसके नुकसान बताए तकलीफ ना देने के फवाद तकलीफ देने के नुकसान सब बताए लेकिन यहां पर अब जो बात हमारी चल रही है कि इबादत जिसके लिए हम दुनिया में आए हैं हम जिसके लिए दुनिया में आए हैं हमारे दुनिया में आने का मकसद अल्लाह की इबादत तो बंदगी ही है ना तो इबादत व बंदगी के अंदर भी चाहे वो नमाज का मसला हो कुरान की तिलावत का मसला हो और इमामत का मसला हो खुदब जुमा का मसला हो और वाजु नसीत का मसला हो ये सारे मसाइल जिनका ताल्लुक़ इबादत से है ऐसी इबादतों में भी अगर आपकी ज़ात से किसी को अजियत पहुँचती है तकलीफ़ होती है तो शरीयत ने इससे मना किया है ये इबादत इबादतें नहीं रह जाती हैं बल्कि इबादतों में इन सारी चीज़ों का पूरा पूरा भरपूर ख़्याल रखा गया है कि किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे नाजिन ग्रामी वक्त हमारा ख़त्म हो चुका है इसलिए मैं अपनी गुफ्तगु यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ इन अगली मुलाकात में हम मस्जिद के हवाले से और दिगर उमूर के हवाले से बात करेंगे कि वहाँ पर भी तकलीफ़ नहीं होना चाहिए लोगों को तकलीफ़ में मुबला करने से बचना चाहिए अल्लाह ताली से दुआ है कि रबल जो बातें कही और सुनी जा रही हैं हम सबको उस पर अमल करने की तोफ़ीता फरमा आमीन व आखर दवाना ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته